बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद फातमा नूर। आज हम आपके लिए बना रहे हैं कद्दू और देसी मुर्गी का सालन बना रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। देसी मुर्गी और कद्दू का जो है वो सालन बनाने के लिए मैंने लिए हैं, देसी मुर्गी ली है, कद्दू लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं, ये मैंने मिर्ची ली है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है, उसके बाद मैंने जो है ये अदरक और लहसुन कुटी हुई ली है, और ये साथ मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है। चले शुरू करते हैं बनाना। जी जनाब, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर डालते हैं प्याज। इसके साथ ही हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल देंगे प्याज के अंदर, ताकि प्याज का टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं, अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ी देर भूनते हैं। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे फुल ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसके अंदर डालते हैं टमाटर। अभी जो ये हमारे मसाले थे हम ये इसके अंदर डालते हैं। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अभी हम इसके अंदर डालते हैं गोश्त। ये देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो भून चुका है, अभी हम इसके अंदर डालते हैं कद्दू। 3 से 4 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि हमारे कद्दू गल जाए। ये हमने पानी डाला है ताकि जो है हमारा गोश्त भी और हमारा कद्दू भी गल जाए। इसको हम 10 से 20 मिनट तक रख देते हैं हल्की आंच पे, फिर देखते हैं। जी जनाब, अब देखें कि हमारा सालन क्या पोजीशन है, तो देख सकते हैं आप हमारा सालन पक चुका है, हमारे कद्दू भी गल चुके हैं ये देख सकते हैं आप, और गोश्त भी गल चुके हैं। मैं एक आपको चेक करा देती हूँ, ये देख सकते हैं गल चुका है गोश्त। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालते हैं, इस तरह हाथों पे मसल के ऐसे डालेंगे, और हम धनिया डालते हैं, और इसको करते हैं डिश आउट। अभी हम इसको प्लेट में डालते हैं, ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार। जी जनाब, देख सकते हैं हमारे जो है वो कद्दू और गोश्त तैयार हो चुका है, मुर्गे का देसी गोश्त तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ज़रूर ट्राई कीजिएगा देसी मुर्गे का गोश्त और कद्दू का सालन, बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, पसंद आएगी आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।